दोस्तों, मैं पल्फाज कहानियाँ सुनाती हूँ। पल्फाज एक पहेली में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी, जो मुझे काफ़ी पसंद है। कई हिस्सों की कहानी है, आज उसका पहला भाग सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है कॉलेज के वो दिन, पार्ट वन। वो वक्त काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन मुझे आज भी याद है कॉलेज के वो दिन। मैं पायल अपने फर्स्ट ईयर के फॉर्म जमा करवाने के लिए पहली बार कॉलेज गई थी। मैं अकेली भी थी और मेरे लिए सब कुछ नया था। किससे क्या बोलूं, क्या पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, फर्स्ट ईयर है क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 6 फुट का एक लड़का खड़ा था, साथ में एक लड़की भी थी, शायद दोस्त होंगे, खैर मुझे क्या। मैंने पूछा, जी आप कौन? शक्ल सूरत से तो स्टूडेंट ही लग रहे थे। हेलो, मैं विक्रम और ये मेरी दोस्त गुलदस्ता, और हंसने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, भाग जा यहाँ से, हाय मैं गुलाब, मेरे इसी नाम की वजह से ये मुझे चिढ़ाता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। फिर मैंने सोचा, पहला दिन है, शायद कोई मदद कर रहे होंगे। फिर मैंने अपनी पहचान बताते हुए कहा, मैं पायल। विक्रम ने कहा, तुम्हें जो वहाँ सर खड़े हैं वो बुला रहे हैं, थोड़े खड़ूस है, ज़्यादा कुछ तो बोलना मत, वो तुम्हारा काम कर देंगे। मैंने देखा काफ़ी दूर खड़े थे, ज़्यादा बड़े तो लग नहीं रहे थे, यह सर कैसे हो सकते हैं। फिर मेरा पहला दिन था, ज़्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं और वहाँ जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, बस देखे जा रहे थे। मैंने कहा, सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जमा कर लीजिए। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने क्या ही बोल दिया हो। फिर उन्होंने पूछा, मैं सर हूँ, ये बात आप लोगों को किसने कही? मैंने उन दोनों की तरफ अंगुली कर दी तो मैंने देखा वो मुझ पर हंस रहे थे। मैं कुछ हद तक तो समझ गई थी कि मेरी रैगिंग हो रही है। तभी वो बोले, हाय मैं रोहित, और वो दोनों मेरे दोस्त हैं, वो आपके साथ मजाक कर रहे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी तरफ से। सर का ऑफिस यहाँ से लेफ्ट है और मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई, बस रोहित को देखकर। उधर रोहित ने विक्रम और गुलाब से जाकर कहा, यार तुम लोग हद करते हो, उसका पहला दिन था, खराब कर दिया ना। विक्रम और गुलाब ने कहा, बड़ी फिक्र हो रही है, और हंसने लगे। मैं घर आ गई और सोचा कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। तभी फ़ोन पर देखा, सर ने ग्रुप में मैसेज किया है, कल 10 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, सभी को आना ज़रूरी है वरना फाइन लगेगा। और जैसे तैसे मैंने खुद को समझा लिया, मैं 10 बजे कॉलेज पहुंच गई। सामने रोहित, गुलाब और विक्रम खड़े थे। मैं उन्हें देखकर अनदेखा कर वापस वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद क्लास लगी और मुझे क्लास रूम में आते वक्त लग गया, क्योंकि पहला दिन था ना और दोस्त यार भी नहीं थे, रूम का पता लगाने में वक्त लग गया। मैंने जैसे ही रूम में अंदर एंटर किया तो देखा सभी सीट पर कोई ना कोई बैठा था। मैं वहीं खड़ी हो गई। सर ने कहा, कोई सीट खाली है तो पायल को बैठा लो। तभी गुलाब ने कहा, सर यहाँ एक सीट खाली है, पायल इधर आ जाओ। अब सर खड़े थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाई और वो लोग बेंच की 3rd लाइन पर बैठे थे। मैं वहाँ जाकर खड़ी हो गई।
पहले विक्रम, फिर गुलाब और रोहित बैठे थे। रोहित के पास वाली सीट खाली थी, मैं वहां जाकर बैठ गई। कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। रोहित कम बोलने वाले लोगों में से थे और विक्रम उसका पूरा उल्टा। जैसे तैसे क्लास खत्म हुई और मैं उठ के जाने लगी, विक्रम और गुलाब ने कहा मुझसे रोकते हुए, कल के मजाक के लिए सॉरी, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हमारा 3 लोगों का ग्रुप है। मैं उस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहती थी और हाँ बोल दिया। बाकी मुझे पता था मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। सब ने कुछ ना कुछ पूछा मुझसे, सवाल किए, पर रोहित जैसे किसी के ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे किसी को याद कर रहा हो, कोई आने वाला हो, किसी का इंतज़ार हो। तभी विक्रम ने रोहित को कहा, यार इतना मत सोच उसके बारे में, धीमी आवाज़ में। मैं पास बैठी थी तो मुझे सुनाई दे गया। तभी गुलाब ने विक्रम का हाथ पकड़ कर कहा, चलो कैंटीन चलते हैं। हम चारों कैंटीन चले गए। ऐसा लग रहा था गुलाब विक्रम के लिए कुछ स्पेशल फील करती है, लेकिन विक्रम ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तभी राहुल के फ़ोन पर एक कॉल आया, विक्रम ने उठाने नहीं दिया। क्या चल रहा था कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा विक्रम रोहित को समझा रहा था कि ये तुम्हारे लायक नहीं है और थी भी नहीं कभी, तुम बहुत अच्छे हो। और पता नहीं मुझे क्या हुआ जो मैं इतना ध्यान दे रही थी। हम लोग क्लास के लिए रवाना हो गए, तभी रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं कुछ सोच नहीं पाई, समझ नहीं पाई और पागलों की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। पीछे से विक्रम हंसकर रोहित को, रोहित मेरा हाथ इधर है। दोस्तों यह था इस कहानी का पहला हिस्सा, कॉलेज के वो दिन पार्ट 1। इसके आगे का हिस्सा सुनाऊंगी अगली कहानी में, जिसका नाम है कॉलेज के वो दिन पार्ट 2। और यूट्यूब की इस दुनिया में मैं मिलती रहूंगी। मुझसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी का नाम है पलफाज, PALFAZZ। पलफाज एक पहेली। अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी कहानी का अगला हिस्सा, कॉलेज के वो दिन